नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में अजगर के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रलयंकारी अजगर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर प्रेस जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा में एक ग्रह टपोसी, जिसका एकमात्र शासक था सम्राट ओशिका। एक रात जब सम्राट ओशिका गहरी नींद सोया हुआ था, सम्राट ओशिका को मारकर मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा। ये था टपोसी ग्रह का सेनापति संक्रातो। इसकी मौत के साथ ही शाही ताज मेरे सिर पर होगा। धप। अगले ही पल खचाक आई। फिर संक्रातो ने जैसे ही तलवार बाहर खींचकर दोबारा प्रहार करना चाहा, धाड़। आह! इसी पल ओशिका ने पलंग के सिरहाने लगा लाल रंग का बटन दबा दिया। टन। ओह, कंबख्त ने खतरे का सायरन बजा दिया। अब तो जान बचाकर भागने में ही भलाई है। अगले ही पल शैतान भाग रहा है। खटखट। महाराज, दरवाजा खोलिए। सम्राट के शरीर से इतना खून निकल चुका था कि वो पलंग से हिलने तक में असमर्थ हो चुका था। अतः दरवाजा टूटने से पहले ही संक्रातो खिड़की के रास्ते फरार होने में सफल हो गया था। भड़ाक। सम्राट, आपका ये हाल किस गुस्ताख ने किया? संक्रातो ने, वो खिड़की के रास्ते भागा है, पकड़ो उसे। तभी राजकुमारी टेप रसी भी वहां आ पहुंची। ओह, सेनापति संक्रातो गद्दार। सेनापति गद्दार है, वो बचना नहीं चाहिए। तब तक सम्राट बेहोश हो चुका था। सेनापति संक्रातो अब तो मेरे हाथों तो बच नहीं सकेगा। राजकुमारी टेपरसी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर, आप पिताजी को देखिए, मैं उस गद्दार से निपटती हूँ। राजकुमारी टेपरसी ने ओशिका के गुप्त कक्ष में पहुंचकर सेब से निकाली महाशक्ति। ये महाशक्ति उस गद्दार के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इधर वो गद्दार पृथ्वी की ओर भाग रहा है। खत्म कर दो उसे। टिच्यू टिच्यू सर। जल्द ही उन दूर तक मार करने वाली स्पेशल गनों के रेंज को पार कर लिया संक्रांतों ने। तभी तू भाग नहीं सकेगा दोस्त, तुझे मरना ही होगा। ओ राजकुमारी जी, जू। अगले ही पल चमकता सतरंगा हीरा राजकुमारी ने नीचे की ओर फेंक दिया। जू। एन वक्त पर संक्रांतों की छठी इंद्री ने उसे सचेत किया और वह कलाबाजी खाकर एक ओर हट गया। लेकिन जिस गेंद के आकार जैसे हीरे से संक्रांतो बचा था, उसे पृथ्वी की ओर बढ़ता देख अचानक उसकी आंखें हजार हजार वाट के बल्बों के समान चमकने लगी थी। अगर ये महाशक्ति मेरे हाथ लग जाए तो मैं तीनों लोकों का सम्राट बन सकता हूँ। अगले ही पल वो तेजी से महाशक्ति को पकड़ने लपका। जूम। और इधर कोका ग्रह के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे महाशक्ति, महाराज को तुरंत सूचना देनी चाहिए। ओह, वो पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। इसी तरह कुछ अन्य खुरापाती ग्रहों में भी हलचल मच गई थी। जीटर ग्रह के सबसे तेज तर्रार जेंटर को पृथ्वी के लिए रवाना करो। जी महाराज। और संडोला ग्रह का खतरनाक एजेंट पबोला, मैं महाशक्ति लेकर ही वापस लौटूंगा। और विचित्र यान पर सवार जूपर ग्रह का गोटूस। महाशक्ति अब जल्द से जल्द जूपर ग्रह के सम्राट के अधिकार में होगी। कांसा ग्रह का जासूस कांगड़ी भी हवा में लहराता हुआ पृथ्वी की ओर जा रही महाशक्ति की ओर बढ़ रहा था। महाशक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ दिन पृथ्वी की सैर होगी, फिर वापसी। और उस चांदनी रात में जबकि पृथ्वीवासी गहरी नींद में थे, वो गेंद जितने आकार का चमकता सतरंगा हीरा पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के गर्भ में समाता चला गया। बड़ाम। वो धमाका इतना जोरदार था कि पूरी पृथ्वी हिलकर रह गई थी। घर। अरे, क्या ये भूकंप का झटका था? जबकि सोना के जंगल के आसपास की धरती अभी भी कांप रही थी। हैं, ये क्या इतना तेज कंपन? छन छनाक। बाहर भागूं, कराटो बाहर भाग लिया।
पशु पक्षी भी भयभीत हो अपनी 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 गुफाओं घोंसले से बाहर निकल आए थे। ची ची। और इधर महाबली शेरा भी, अजगर मुझे तो ऐसा लगता है निकट ही कोई शक्तिशाली बम गिरा है। बम? हाँ आओ देखें, किसी कबीले को कोई हानि तो नहीं पहुंची? जल्दी टुंबा कबीले में। महाबली, कबीले में तो कोई हानि नहीं हुई, पर समझ में नहीं आता कि वो धमाका था कैसा। मैं आसपास जाकर मालूम करता हूँ, तुम आराम करो। महाबली शेरा और अजगर ने आसपास के अन्य कबीलों में जाकर निरीक्षण किया, लेकिन सबको सकुशल पाकर वे वापस अपनी आरामगाह की ओर लौट पड़े। लेकिन आरामगाह में प्रविष्ट होते ही उन्हें बाहर से आती एक आवाज़ ने चौंकाया। जू है, यही कैसी आवाज़ है? और आवाज वाली दिशा में उन उनकी उठी नजरें उठी की उठी रह गई। अरे वो तो कोई इंसानी साया लगता है, निश्चित ही। फिर देखते ही देखते आओ देखें क्या बला है वो। जब दोनों उस स्थान पर पहुंचे, उतरा तो वो यही था, अब कहाँ गायब हो गया। अरे वो गड्ढा कैसा है? जल्दी दोनों उस गड्ढे की ओर बढ़े। कल तक तो यहाँ कोई गड्ढा नहीं था, और उस गड्ढे के नज़दीक पहुंचने से पहले उन्हें बहुत से आश्चर्यों का सामना करना पड़ा। अरे ये क्या है? सू सर सू जन। आश्चर्य है, कौन हो सकते हैं ये अजीब लोग, और इस खड्ड में क्या करने गए हैं? मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है महाबली, और मुझे किसी बहुत बड़े खतरे का पूर्वाभास हो रहा है। इधर महाशक्ति के पीछे पीछे धरती, फिर धरती के बाद पानी में उतरते ही संक्रांतों की आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। आहा, वो रही महाशक्ति। अगले ही पल महाशक्ति अब मेरे पास है, मैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। तभी वहाँ आ पहुँचा कूका ग्रह का खतरनाक एजेंट कचूड़। संक्रांतो, वो महाशक्ति मेरी ओर उछाल दो। हैं? कौन? तुम यहाँ? हाँ लाओ महाशक्ति मुझे दे दो, वरना। लेकिन इससे पहले कि संक्रांतो कोई फैसला करता, कुछ और अजूबों को देख खोपड़ी घूम गई उसकी। नहीं, मेरी ओर। ओ, संडोला ग्रह का बबोला है, जेंटर तुम भी? नहीं इधर। नहीं संक्रांतो, भूल कर मत बैठना। नहीं संक्रांतो, भूल मत कर बैठना, महाशक्ति केवल मुझे चाहिए। नहीं, वो महाशक्ति केवल मुझे चाहिए। अगले ही पल संक्रांतो कह कहा लगा उठा आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है, इस महाशक्ति के साथ साथ मेरे हाथ पांच शक्तिशाली गुलाम भी लग गए। क्या हैं? अरे पागल हो गया है क्या? मूर्ख, मुझे ब्रह्मांड सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता तभी उसके कह कहे का ब्रेक लग गए। मूर्ख, बकवास मत कर, सीधी तरह महाशक्ति मेरे हवाले कर दे। खटाक। मूर्ख, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, महाशक्ति मुझे चाहिए, मुझे यह महाशक्ति दे दे, मुझे ये महाशक्ति दे दो संक्रांतो, वरना। तभी संक्रांतो के हाथ में पकड़ी उस महाशक्ति से हरे रंग की किरणें निकली, और वे पांचों उनकी रोशनी में नहा उठे। एक पल के लिए अलग अलग ग्रह से आए उन पांचों शक्ति शक्तियों के मस्तिष्क जैसे कुंद होकर रह गए। उफ। लेकिन दूसरे ही पल महामहिम संक्रांतो की जय देखा महाशक्ति का कमाल, हम सब आपके गुलाम हैं, आदेश कीजिए महामहिम। सबसे पहले हम इस धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, चलो मेरे साथ। और मुड़ने के साथ ही सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी अजगर लोक के द्वार पर। आओ पहले अजगर लोक में घूम लिया जाए, सुना है यहाँ बहुत सोना है। लेकिन जैसे ही वे अजगर लोक के द्वार पर पहुँचे, ठहरो, ये निषिद्ध क्षेत्र है, महाराज की इजाज़त के बिना यहाँ परिंदे को भी घुसने की इजाज़त नहीं है। अगले ही पल बबोला के हाथ में थमे विचित्र गण ने अपना कमाल दिखाया। मूर्खो, लो महामहिम का रास्ता रोकने का परिणाम भुगतो। टिच्यू आई भड़ाम। फिर भीतर प्रविष्ट हो जब वे एक बस्ती में पहुँचे। अरे ये मानो यहाँ कहाँ से आ गए? अरे मानो,
लगता है यहाँ के लोग सोने के आभूषण पहनने के बहुत शौकीन है, और सोना मेरी जरूरत ही नहीं कमजोरी भी है। लूट लो सारा सोना, संक्रांतों के इशारे पर पांचों अजगर लोग के निवासियों पर टूट पड़े। छोड़, मर्द होकर कान में बूंदे लटकाता है, आई उफ। प्रतिरोध करने वाले को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह एक अन्य बस्ती में भी उन्होंने तबाही मचाई। आ उफ आई। मूर्खो जान लो, कागंडी का गुस्सा बड़ा खराब होता है। उतार लो सारा सोना इनके मुर्दों जिस्मों से, भड़ाम आई खच आ। तभी अजगर लोग का राजा बिकराल सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। गिरफ्तार कर लो इन दुष्टों को। लेकिन आगे बढ़ते सैनिकों से टकराई उस सतरंगे हीरे से निकली लाल किरणें। आई आ उफ। और फिर जल्दी परखच्चे उड़ गए राजा बिकराल समेत उन सभी सैनिकों के। उधर गहरी नींद सोया अजगर एकाएक चीख पड़ा, नहीं। नोट: राजा बिकराल और अजगर लोग के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े कंकाला जादूगरनी। अजगर, लगता है तुमने कोई भयानक सपना देखा है। ठीक कहते हो महाबली, और अब मैं जब तक अजगर लोग नहीं हो और अब मैं जब तक अजगर लोग नहीं हो हो आऊंगा, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अगले ही पल वो सुंदर युवक से अजगर बन चुका था। फिर महाबली सेरा के कुछ कहने से पूर्व भी वो आरामगाह से बाहर रेंग गया। पता नहीं एकाएक क्या हो गया है इसे। कुछ देर बाद अजगर लोग पहुँच कर वो वहाँ का दृश्य देख वो पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, तुम मर नहीं सकता। तभी किसी का हमदर्दी भरा हाथ उसके कंधों पर आ टिका। कौन? वो पलटा, ओ कुलगुरु। ये सब कैसे हुआ कुलगुरु? किसने किया? मुझे बताएं, मैं उसकी बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दूंगा। बस्ती वालों के बयान के अनुसार वे 6 अलग अलग ग्रहों के विचित्र से दिखने वाले इंसान थे। फिर कुलगुरु जयद्रोन ने अजगर को संक्रांतों और उसके साथियों के बारे में बता दिया। कुलगुरु की बात सुन अजगर की आंखों के सामने रात वाला दृश्य घूम गया। अगले ही पल क्रोध से धधक उठा अजगर का चेहरा। अब कहाँ हैं वे दुष्ट लोग? पृथ्वी लोक की ओर गए हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। और कुलगुरु की बात पूरी होने से पहले ही अजगर पलट चुका था। मैं जा रहा हूँ कुलगुरु, अब मैं उन दुष्टों का अंत करने के बाद ही अपने भाई की चिता को अग्नि दूंगा। अब ये मेरे रोकने से भी नहीं रुकेगा। इधर भारत की राजधानी दिल्ली में, सर, सूचना मिली है कि कुख्यात एंथोनी बुलवर्क का मुख्य अड्डा शहर से बाहर नीली पहाड़ियों के मध्य बने एक पुराने किले में है। इंस्पेक्टर डांगे, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले लो, लेकिन वो शैतान बचना नहीं चाहिए। यस सर। लेकिन दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह एंथोनी बुलवर्क के कई आदमी पुलिस विभाग में भी थे, जिनमें से किसी एक ने, सावधान एंथोनी, पुलिस फोर्स नीली पहाड़ियों की ओर रवाना होने वाली है। ओह, जल्दी रोनी, हमें इसी वक्त ये देश छोड़ना होगा। सेफ में रखा सोना सूटकेसों में भर लो, जल्दी। ओके बॉस। महामहिम, वो देखो आबादी। हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ कोई ऐसा स्थान तलाश करना होगा जहाँ हम अपना हेडक्वार्टर बना सकें। कुछ देर बाद महामहिम, वो पहाड़ियों के मध्य बना विशाल किला हमारे हेडक्वार्टर के लिए उपयुक्त रहेगा। तो चलो इसका निरीक्षण करते हैं। जबकि वो विशाल दुर्ग दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बादशाह एंथोनी बुलवर्क का हेडक्वार्टर था। ओह, यहाँ तो मानव भी मौजूद हैं। चलो पहले इन्हें ही ठंडा करें। अगले ही पल सुरक्षा गार्डों पर मुसीबत टूट पड़ी थी। धड़ाम आई आह, बड़ाम। धमाकों की आवाज़ नीचे भी पहुंची। अरे, पुलिस इतनी जल्दी पहुंच गई है? रोनी, भागो वरना हम मारे जाएंगे। परंतु दरवाजे पर पहुंचते ही एंथोनी के चेहरे से बांस जैसा हाथ टकराया। भागते कहाँ है बच्चों? फटाक ठक उफ। बॉस, ये पुलिस तो नहीं है? हाँ। अगले ही पल रोनी और एंथोनी ना केवल उछल कर खड़े हो गए, बल्कि उनके हाथ में रिवॉल्वर भी चमकने लगी। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा बाप? चाहो तो बेटा बनकर यहीं रहो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तभी हरामजादे एंथोनी से बकवास करता है,
धाएं धाएं। ओ, लेकिन एंथोनी ये नहीं जानता था कि उनका पाला साधारण लोगों से नहीं बल्कि उन महाशैतानों से पड़ा है। मौत से आंख में चोली खेलना जिनकी हॉबी थी। धाड़, उफ, औ। तभी संक्रांतों के हाथ में हीरा चमका और वे दोनों हरी रोशनी में नहा गए। उफ, आ। कुछ ही पल बाद आज से एंथोनी आपका गुलाम हुआ और रोना भी। इधर अजगर एक विशालकाय पक्षी के रूप में नगर नगर अपने दुश्मन को तलाशता फिर रहा था। दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा तुम शैतानों दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा तुम्हें शैतानों। तभी, ओ, इतनी सारी पुलिस फोर्स, इसका मतलब मामला गंभीर है। इधर उस पुराने किले में पुलिस इसी रास्ते से आएगी ना? आएगी क्या? वो आ रही है तो फिर देखो अपनी आंखों से उसका विनाश। तभी आगे वाली पुलिस जीप से लाल रंग की किरणें टकराई। ओ, लाल रंग की किरणें, इसका मतलब मेरी तलाश पूरी हुई। भड़ाम, आई। उस जीप के नष्ट होते ही पुलिस फोर्स सक्रिय हो उठी। टेक द पोजीशन। इधर अजगर फौरन मानव रूप में परिवर्तित हुआ और किले की छत पर मौजूद सुरक्षा गार्डों पर टूट पड़ा। धाड़, उफ, ठक, हाय। किले की छत पर भी शायद कहीं वीडियो कैमरा लगा रखा था एंथोनी ने। तभी तो आश्चर्य है, पक्षी से मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। और उधर पूरे 36 घंटे बाद टपोसी ग्रह के सम्राट ओसाका की बेहोशी ड्यूटी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी एक गुप्तचर वहां आ पहुंचा। सम्राट, महाशक्ति की तलाश में दुश्मन ग्रहों के कई जासूस पृथ्वी की ओर गए हैं। महाशक्ति? लेकिन वो तो हमारे पास। तभी राजकुमारी टेप्रसी ने सम्राट को पूरी बात बताई। सुनकर वो चिंतित हो उठा। राजकुमारी, अगर महाशक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो समूचा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें पृथ्वी लोग जाकर महाशक्ति वापस लानी होगी। ठीक है, राजकुमारी टेप्रसी उसी समय पृथ्वी के लिए रवाना हो गई। इधर गार्ड को समाप्त कर अजगर जैसे ही पलटा, ओ तुम हरामजादो, चीर फाड़ कर सुखा दूंगा मैं तुम सबको। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना अपने अपने ग्रह की मानी हुई शक्तियों से था। भड़ाम, उफ। लेकिन उन लोगों ने भी शायद अजगर की शक्ति को कम करके आंका था और उनकी यही गलती उन पर भारी पड़ी। ठक, ढिसुम, धाड़। लेकिन कागंडी से मात खा गया अजगर क्योंकि उसे अपनी ओर बढ़ता पाकर खुद को जमीन पर गिरा दिया था उसने। सू, परिणाम स्वरूप भड़ाम। तभी बबोला के विचित्र गणों ने आग उगली। टिच्यू। लेकिन अजगर ने महाबली सेरा से निश्चय ही बहुत कुछ सीखा था। तभी तो खतरा भांपते ही वो तेजी से एक ओर हट गया। वाह, बहुत खूब, बड़ाम। गोलियों की बाढ़ से बचने के साथ ही अजगर के हाथ में आ गई सूखी पतली दो टांगे। टिच्यू। अगले ही क्षण फटाक, आ। निश्चय ही ये मेरा दायां हाथ बनने की योग्यता रखता है। आ। फिर देखते ही देखते अजगर ने कागंडी का भी काम तमाम कर दिया। आई। तभी भड़ाक, उफ। अब मुझे इसे गुलाम बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। और वापस फर्श पर आने से पहले हरे रंग की किरणें अजगर की ओर बढ़ी। ओह, इन किरणों से कैसे बचूं मैं? और इससे पहले कि हरी किरणें उसके शरीर को अपने घेरे में लेती, सट हैं। अगले ही क्षण, अरे ये क्या बला है? मित्र कौन हो तुम? जीवा, कुलगुरु जयद्रोन का पुत्र। अजगर लोक से तुम्हारे रवाना होते ही पिताश्री ने मुझे तुम्हारे पीछे भेज दिया था। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें त्रिपुंड की मदद करनी होगी। जी पिताश्री, अजगर का असली नाम त्रिपुंड है। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स अजगर दी ग्रेट एवं कंकाला जादूगरनी। सब कुछ सुनकर तभी जीवा चौंक उठा। प्राण बचाने का धन्यवाद भाई। ओह, लाल किरने। अगले पल उसने अजगर के जिस्म को झटके से एक ओर उछाल दिया। ईश्वर तुम्हारी मदद करे त्रिपुंड हैं। और तभी जय द्रोण पुत्र जीवा के जिस्म के परखच्चे उड़ गए। बड़ाम, नहीं। अजगर का जिस्म तेजी से गहरी खाई की ओर बढ़ रहा था।
चिंता मत करो, शंकरा तो तुम्हें मरने नहीं देगा। फिर इससे पहले कि अजगर का शरीर जमीन से टकरा कर छत पिछत हो जाता, ओ फिर वो गोला ऊपर उठने लगा। ओ उसी कमबख्त ने बचाया है मुझे, लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया पर विजय पाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे सुरमाओं की सख्त जरूरत पड़ेगी। अजगर सुरक्षित छत पर पहुंच गया। जान बचाने का धन्यवाद, लेकिन अब तो मेरे हाथों तो नहीं बचेगा। खबरदार आगे मत बढ़ना। तभी लड़ाकू विमानों की तेज आवाज से पहाड़ियां कांप उठी। अगले ही पल, ओह लड़ाकू विमान शायद हमें ही नष्ट करने आए हैं, अभी मजा चखाता हूं इन्हें। सो ओह नो, हमारा एक विमान नष्ट हो गया। भड़ाम। लेकिन तभी दूसरे विमान और लाल किरणों के बीच आ गई एक मानव आकृति। है इस पर तो महाशक्ति की विध्वंसकारी किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ओह महाबली, संक्रांतों ने सतरंगे हीरे का रुख दूसरे विमान की ओर किया। जंगली लताओं से खेलने वाला इस समय जंबो जेट की तरह आकाश में कलाबाजियां खा रहा था। बात हैरान कर देने वाली ही थी। महाबली यहाँ कैसे? और लड़ाकू विमान के पायलट ने भी पहचान लिया था सेरा को। अब महाबली स्वयं ही देश के दुश्मनों से निपट लेंगे, मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। इधर संक्रांतों की नजरें निकट आते महाबली के कानों पर अटक कर रह गई। अरे इस जंगली के कानों में कर्ण कुंडल और कलाइयों में पावर स्ट्रेप्स हैं, लेकिन ये हमारे ग्रह का तो नहीं है। फिर संक्रांतों का पूरा ध्यान सेरा की ओर था। इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया अजगर ने। धाड़। सतरंगा हीरा संक्रांतों के हाथ से छुटकर गहरी खाई में गिरता चला गया। ओ नहीं, अगले ही पल उस खाई में मानो जलजला आ गया। बड़ाम बड़ाम। ये देख संक्रांत तो बुरी तरह सुलग उठा। हरमजादे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मैंने भी तुम लोगों को भयानक मौत मारने की कसम खाई है। धाड़। अगले ही पल संक्रांतों का शरीर रॉकेट की तरह हवा में उठा। जूम। फिर पलट कर नीचे आने लगा। और समय रहते अजगर ने जैसे ही अपना स्थान छोड़ा, भड़ाम। संक्रांतो किले की छत तोड़ता हुआ नीचे चला गया। गया मर्दूत काम से। इधर भागने की कोशिश करते हुए तीनों शैतानों को महाबली सेरा ने रोका। धड़ाक। उफ हाय, अजगर इन्हें मारकर अपनी कसम पूरी करो। भड़ाम हाय। फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, तीनों पर मौत बनकर टूट पड़ा अजगर। धाड़। उफ हाय। जबकि महाबली आज सिर्फ तमाशा देखने के मूड में लगता था। खटाक। जल्दी जेटर ग्रह का टॉप एजेंट समझ चुका था कि अब उनके सामने एक ही रास्ता था, मारो या मारो। अगले ही पल वह अजगर पर भारी पड़ने लगा। सिक सिक। उफ ये तो मुझे संभलने तक का मौका नहीं दे रहा है। तभी पीछे से जेंटर की कमर में आ चिपटे दो फौलादी हाथ, जो कि महाबली सेरा के थे, और उन दो शक्तिशाली हाथों ने जेंटर को किले की छत पर पटक दिया। हरमजादे, अगर अजगर ने तुझे अपने हाथों से मारकर अपने भाई की चिता को अग्नि दिखाने की कसम ना खाई होती, तो मैं इसी समय तेरी बोटी बोटी कर देता। धाड़। अगले ही पल प्रलयकारी अजगर को मौत की तरह अपने सिर पर खड़ा देख वो गिर गिरा उठा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन अजगर पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। फचाक। इसी के साथ अंत हो गया जेंटर का। तब अजगर, तुम्हारे लोक में जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हत्यारे को तुम अपने हाथों से सजा दी। लेकिन महाबली, आप यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम्हारे अजगर लोक में जाने की दूसरी रात जब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी कि अचानक, बचाओ। ओह ये तो कोई स्त्री की चीख मालूम पड़ती है। मैं तुरंत चीख की दिशा में चल पड़ा। उसी गड्ढे वाले स्थान पर मुझे एक दूसरे ग्रह की युवती मुसीबत में नजर आई। यदि मैंने जल्दी कुछ ना किया तो गैंडा इस लड़की के चीथड़े उड़ा देगा। अगले ही पल भड़ाक। शुक्र है जल्दी ही भाग गया। फिर मैं उस बेहोश युवती को अपनी आरामगाह में ले आया। थोड़ी ही देर बाद जब उसे होश आया, मेरा नाम सेरा है देवी, लेकिन तुम कौन हो और रात के समय इस भयानक जंगल में क्या करने आई हो? मैं टपोसी ग्रह की राजकुमारी टेपरसी हूँ। फिर उसने मुझे टपोसी ग्रह में बीती घटनाओं के बारे में बताया और बोली,
अजगर व महाशक्ति उनमें से किसी एक शैतान के हाथ में लग गई तो बहुत बुरा होगा, खासकर पृथ्वीवासियों के लिए तो विनाशकारी ही साबित होगा। परंतु घायल होने की वजह से अब मैं उन दुष्टों की तलाश में जाने में असमर्थ हूँ। तुम चिंता मत करो राजकुमारी, मैं खुद महाशक्ति की तलाश में जाऊँगा। तब तक तो मैं तुम्हारी मदद के लिए दो विशेष वस्तुएँ तुम्हें दूंगी। फिर उसने मुझे पावर स्ट्रेप और कर्ण कुंडल दिए। इनको कलाइयों से बांधकर तुम आकाश में रॉकेट की तरह उड़ सकोगे और ये कर्ण कुंडल महाशक्ति की विनाशकारी किरणों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर राजकुमारी को कबीले में छोड़ मैंने महाशक्ति की तलाश उसी गड्ढे से शुरू की है। अजगर लोक जा पहुँचा मैं, वहाँ कुलगुरु से तुम्हारे भाई की हत्या का समाचार मिला और साथ ही ये भी पता चला कि तुम हत्यारों की तलाश में पृथ्वी लोक गए हो। अतः मैं भी वहाँ से चल पड़ा, लेकिन वह महाशक्ति तो अब किले की खाई में दफन हो चुकी है। हाँ, लेकिन राजकुमारी को ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। आओ अब यहाँ से हम चलते हैं। तभी वहाँ पुलिस दल आ पहुँचा। आहा महाबली सेरा, ओ इंस्पेक्टर प्रशांत, तुम यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर, हमें सूचना मिली है कि यहाँ अंडरवर्ल्ड के कुख्यात बदमाश एंथोनी का अड्डा है। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है एंथोनी और उसके साथी रोनी को। तब तो इस सफलता के लिए हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाबली। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर से विदा ले दोनों कबीले की ओर उड़ चले और कबीले पहुंचकर जब महाबली सेरा ने राजकुमारी टेपरसी को पूरी बात बताई, अजगर मुझे खेद है कि मेरी गलती से तुम्हें अपना भाई खोना पड़ा। ईश्वर को शायद यही मंजूर था राजकुमारी। फिर राजकुमारी टेपरसी महाबली सेरा का धन्यवाद अदा कर एवं उसे समय पर हर संभव मदद करने का वादा कर वे टेपरसी ग्रह के लिए वापस चल पड़ी। उसके बाद अजगर लोग पहुंचकर अजगर ने अपने भाई राजा विकराल का अंतिम संस्कार किया। उस समय महाबली सेरा और काला प्रेत भी उसके साथ थे। तो इसी के साथ महाबली सेरा की यह शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। तेरी मिसाइल्स भी मुझ तक पहुंचने में नाकामयाब रही। तेरे हर वार का जवाब है मेरी आग। मिसाइल्स उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरे पीने उसके गुब्बारे तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। भस्माकंठ ने खुद को तो बचा लिया, पर अपने गुब्बारे को ना बचा सका। पूरे शहर को जलाकर राख कर देने का इरादा लिए भस्माकंठ ने मचाई भयानक तबाही। ऐसे में मानवता की रक्षा के लिए सामने आया तूफान, परिणाम एक अनोखा एवं भयंकर टकराव। देखने वालों की धड़कन रुक गई। मस्तिष्क में एक ही सवाल उभरा, क्या तूफान रोक पाएगा भस्माकंठ को? तो सचमुच बहादुर है अजगर, जो मौत नाम के इस तिलस्म में यहाँ तक आ पहुँचा। पर अब तेरी लाश के टुकड़े ही जाएंगे यहाँ से। कुछ कुत्ते केवल भौंकना ही जानते हैं। राजा टंग, हिम्मत है तो कर मुझ पर वार। मौत नाम के इस तिलस्म का रचियाता था राजा टंग, जिसमें कैद था गर्भहस्त एवं उसका पुत्र हस्त रून। अजगर ने वचन दिया था हारून को मौत में से जिंदा वापस लाएगा, वो उसके पति एवं बच्चों को। राजा टंग ने कसम खाई थी कि हारून द्वारा दिए गए दाग के बदले में वो एक ऐसी सजा देगा जो उसे जिंदगी भर रुलाती रहेगी। बदले, त्याग और तिलस्म के जाल में डूबा एक सुलगता कॉमिक्स, अजगर और राजा टंग। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।